चालकों को अब हरियाणा मूर्तियों और कलाकृतियों के जरिए हरियाणा दर्शन भी हो पाएंगे। देश के 21 कलाकार इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सोनीपत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के कदम कदम पर आपको हरियाणा की कला व संस्कृति की झलक दिखाई देगी। जी हाँ, हरियाणा सरकार की ओर से इस एक्सप्रेसवे को यादगार बनाने के मकसद से एक सराहनीय पहल शुरू की गई है, जिसके तहत देश के 21 कलाकार हरियाणा की कला संस्कृति को मूर्तियों के रूप में पेश करेंगे। इसके अलावा महाभारत और गीता का ज्ञान भी इन कृतियों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाएगा। महावार्ता, योगा और साथ ही हरियाणा कल्चर को लेके, और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ वो महावार्ता का ही एक सीन है जिसको मैंने अपनी मूर्ति कला में कन्वर्ट किया है स्टोन के जरिए। हरियाणा कल्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। एक जैसे हरियाणा में जैसे प्रोग्राम होता है, रागनीय प्रोग्राम होता है, उसमें जो गढ़वा करता है उसको लेके काम कर रहा हूँ। उसके लेके मैं 10 फीट की मूर्ति बना रहा हूँ यहाँ पे, जो हरियाणा की संस्कृति को दर्शाएगी। ये हम लोग यहाँ पर 21 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें 13 आर्टिस्ट जो हैं वो हरियाणा से ही लिए गए हैं और बाकी के आर्टिस्ट 8 आर्टिस्ट हम लोग भारत से आए हैं। और जो सब्जेक्ट है वो महाभारत का, योगा और हरियाणा कल्चर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को योगा और अवेयरनेस कल्चर के बारे में, महाभारत के बारे में एक अवेयरनेस मैसेज मिले। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से सोनीपत की कुंडली से मानेसर और पलवल तक एक्सप्रेस वे हाईवे तैयार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार इस हाईवे को स्टेट ऑफ आर्ट के तौर पर विकसित कर रही है और यही वजह है कि इसके लिए मूर्तियों और कलाकृतियों का काम किया जा रहा है। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।